जिस लोगों ने सेना के मारपीट किया, जिस सब सैनिक ने, सिर्फ सैनिक तो नहीं हो सकता, सब सैनिक हो सकते हैं ये, उसको वैलेबल वारंट था, उसको बेल भी मिल गया जी जी जी, और वो छुट्टी भी गए। ये एक ही उपाय है, क्योंकि ये अब समझ गए हैं सत्ता में मगरूर एक पागल हाथी के तरह, एक मतंग हाथी के तरह ये चाहते हैं मैं कुचल दूंगा, अखबार में लिखते हैं उखाड़ दूंगा, महाराष्ट्र में हमारा सर झुक जाता है, हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम अपने बच्चों को क्या कहेंगे, हम अपने पीढ़ियों को क्या कहेंगे कि नौसेना में तुम जाओ, क्यों? वो कहेगा कि हमें फायदा क्या है, एक अद्दा सा एक साले भारे के टट्टू लोग आएंगे और मुझे पीट जाएंगे। उनके बेटे ने कहा दिया ना, और वही साबित हो गया ना, पाकिस्तान में भी यही होता है, पीओके में भी यही होता है, हमारे कश्मीर में भी हमारे सैनिकों के साथ, कश्मीर के जो जिहादी लोग हैं, कश्मीर के जो इस्लामिक लोग हैं, कश्मीर में जो भारत के टुकड़े के ख्वाब देखने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के जो गुर्गे हैं, वे हमारी सेना पे आज तक मार करते थे, हम उसके खिलाफ खड़े होते थे। आज हमें शर्म आता है कि इस बाला साहब ठाकरे द्वारा शिक्षित, या बाला साहब ठाकरे के शिक्षित लोग नहीं हो सकते। नसीरुद्दीन शाह, अरे जितनी तुमने गालिब की शायरी तुमने रट्टा मारी, उन शायरियों को भी पढ़ लेते, उस शायरी के दम पे भी अगर तुम्हारा जिस्म नहीं खोला तो तुम असल में, आपने सरफरोश फिल्म देखी ना, नसीरुद्दीन शाह का जो करैक्टर था वही इसके जीवन का असली करैक्टर है, कोट एंड कोट असली करैक्टर यही है। ये लोग स्लीपर सेल्स के रूप में काम कर रहे हैं हिंदुस्तान को खोखला करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। महाराष्ट्र में अब डेमोक्रेसी खतरे में आ चुकी है, लोकतंत्र खतरे में आ चुका है, अब वहाँ पर जिन्होंने देश की सेवा करी है उनको भी पकड़ पकड़ कर पीटा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो सरकार का विरोध कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमित श्रीवास्तव जी। तो सर, पहले कंगना का घर तोड़ा गया, ये एक तानाशाही अलग उनका विरोध करने के लिए महाराष्ट्र सरकार का, अब एक आर्मी ऑफिसर को जो नौसेना में थे, नौसेना ऑफिसर को बुरी तरीके से पीटा गया जिनकी 67 साल उम्र थी, उस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे? जिस कारण से उस नौसेना के एक बुजुर्ग व्यक्ति को पीटा गया जो हमारे देश की सेना है, लेकिन इस मानसिकता को देखिए कि वो एक कार्टून, एक महज एक कार्टून शेयर करते हैं और उसके बाद उन्हें पीटा जा रहा है, उनके उम्र को नहीं देखा जा रहा है, उनकी सेवा को नहीं देखा जा रहा है और उनके काम को नहीं देखा जा रहा है। यही तो हुआ था, चार्ली एब्दो ने एक कार्टून बनाया था और उसके ऑफिस में जा करके लाशें बिछा दी थी जिस इस्लामिक आतंकवादियों ने। आज ये शिवसेना उसी इस्लामिक आतंकवादी के राह पे चल रही है। अब शिवसेना का नाम बदल करके जिहादी सेना रख देना चाहिए, अब शिवसेना का नाम बदल दो, मैं कहता हूं बिल्कुल नाम बदलो तुम्हें शिव का, क्योंकि शिव का तांडव अब होगा। यदि तुम चाहते हो कि आवाज दबा दे कंगना की, एक एक्ट्रेस की, तुम आवाज दबाना चाहते हो सुशांत सिंह राजपूत की, तुम आवाज दबाना चाहते हो बिहार के एक IPS की, तुम आवाज दबाना चाहते हो केंद्र सरकार की, और लाखों लोग जो हाथ जोड़ के कह रहे थे कि जस्टिस फॉर सुशांत, उन 10 लाख लोगों की, तो इससे तुम्हारी मानसिकता समझ में आ जाती है कि तुम्हारी मानसिकता पूरी जिहादियों वाली हो गई है। यही हश्र होना है इनका, जब गोद में आप अपनी विचारधारा से समझौता कर लेते हैं सत्ता से, तो आपको एक बार सत्ता से बाहर जाना पड़ता है और दोबारा फिर आने का आपको मौका नहीं मिलेगा। उद्धव ठाकरे जी, आपने जो सोचा है कि आप ड्रग्स बिचवाएंगे, आप जिस्म फरोशी कराएंगे, आप दाऊद का मकान तो आपसे गिरता नहीं है, आप कंगना का मकान गिरा देते हैं। आपने कितनी कार्रवाई की पिछले दिनों, आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, उसने मुख्तार अब्बास के, मुख्तार अंसारी के हजारों करोड़ का व्यापार खत्म कर दिया, और आपने क्या किया? आप कभी पाकिस्तान से लड़ते थे, आप कभी दाऊद से लड़ते थे, लेकिन आज आप भारतीय नौसेना से लड़ रहे हैं, आज आप देश की, हिंदुत्व की, राष्ट्र की आवाज से लड़ रहे हैं। इसलिए यह बात अब समझना ही होगा, आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा कि हो गई है पीर पर्वत, जो दुष्यंत कुमार ने लिखा था ना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस महाराष्ट्र से भी एक नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना अब मकसद नहीं है, चाहे कुछ भी हो,
ये सत्ता से इनको बाहर करदम कर रखना चाहिए, इनको सत्ता से बाहर कीजिए। एक ही उपाय है, क्योंकि ये अब समझ गए हैं सत्ता में मगरूर एक पागल हाथी के तरह, एक मतंग हाथी के तरह ये चाहते हैं मैं कुचल दूंगा, अखबार में लिखते हैं उखाड़ दूंगा। ये भावनाएं अगर आपके अंदर की भावनाएं हैं तो याद रख लीजिए सर, हमारे अंग्रेजों के जिनके सूरज कहते थे कभी ढलता नहीं था, उस अंग्रेजों के वायसराय के कपड़े आज हमारे बैंड पार्टी वाले पहनते हैं। आज तक गुरूर किसी का नहीं रहा, अहंकार के कारण रावण पूरा कुल नष्ट करा गया, अहंकार के कारण पूरा महाभारत हुआ और कौरवों का नाम लेने वाला नहीं रहा गया। प्रियंका गांधी जो यूपी में कुछ भी घटना होती तो टपक के वहां पहुंच जाती, तुरंत उसके घर पे पहुंच जाते हैं उस बंदे के, पर जो अब हमारे देश की सेना, जो नौसेना के जवान पर जब वार आया हुआ है, तो क्या अब वो अपनी इस चीज पर नहीं जाएंगी, ये देशद्रोही वाली जो उनकी नीति है उस चीज पर क्या कहना है? नहीं देखो, अब इससे बड़ा हिपोक्रेसी क्या हो सकता है। यूपी में एक पॉकेट मार को भी पीट दो तो प्रियंका गांधी रोते बिलखते उसके घर पहुंच जाती है। क्यों? यूपी से तुम्हें प्रेम है? महाराष्ट्र में साधु संतों को पीटा गया, तुमने कुछ नहीं किया, आज एक नौसेना को पीटा है, इसमें तो तुम्हें सामने आना होगा। माने तुम्हारे धर्म तुम्हारे इजाजत नहीं देता साधु संतों के साथ खड़े होने पे, लेकिन तुम्हारे दादा का धर्म हो सकता है इजाजत नहीं देता हो साधु संतों के समर्थन में खड़े होने के लिए, लेकिन एक नौसेना को पीटा जाता है, आज महाराष्ट्र में क्यों नहीं जाती हो? आज तुम्हारी चुप्पी क्यों है? इसलिए क्योंकि तुम चाहती हो, तुमने ये सारा काम किया। और दरअसल मैंने बता दिया ना, ये जो सब सेना है, ये जो सोनिया सेना है, इसकी जिम्मेवारी उद्धव ठाकरे से ज्यादा इन लोगों पे भी है। और ये इनको पता है कि हम अब इसने बहुत अच्छा किया, शार्प शूटर अपने एजेंडे के लिए शार्प शूटर चुन लिया शिवसेना को, कांग्रेस की शार्प शूटर बन गई है शिवसेना, अब उससे शूट करवा रही है भारत के साधु संतों को, भारत के राष्ट्रवादी कलाकारों को, अब भारत की नौसेना को। ये क्यों बोलने जाएंगी? अगर ये वहां पर इस नौसेना के अधिकारी का नाम यदि कोई मुस्लिम होता तो ये प्रियंका भी तुरंत चली जाती, लेकिन वहां पर इनकी विचारधारा, चूंकि इनके दादी के दादाजी का जो धर्म है वो इसे इजाजत नहीं देता है साधु संतों के पास जाने का, कोई बात नहीं है, लेकिन नौसेना का अधिकारी के पास तो जाओ। जहां पर हमारे देश की सुरक्षा करने वाले सेना के, नौसेना के जवान सुरक्षित नहीं है, वहां आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? आम जनता तो किसी चीज के लिए भी सवाल उठाएगी, और ये शिव सैनिक पहुंच जाएंगे उनको पीटने, जब नौसेना के जवानों को नहीं छोड़ा जा रहा तो आम जनता को घंटा छोड़ा। यही तो कंगना का आरोप था। कंगना, आज उनके जो बेटे हैं नौसैनिक अधिकारी के, उनके बेटे ने भी तो वही बात की कि माननीय, मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि यहां लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, खतरे में नहीं है, महाराष्ट्र में हमारा सर झुक जाता है, हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम अपने बच्चों को क्या कहेंगे, हम अपने पीढ़ियों को क्या कहेंगे कि नौसेना में तुम जाओ? क्यों वो कहेगा कि हमें फायदा क्या है, एक अद्दा सा एक साले भारे के टट्टू लोग आएंगे और मुझे पीट जाएंगे। उनके बेटे ने कहा दिया ना, और वही साबित हो गया ना, पाकिस्तान में भी यही होता है, पीओके में भी यही होता है, हमारे कश्मीर में भी हमारे सैनिकों के साथ, कश्मीर के जो जिहादी लोग हैं, कश्मीर के जो इस्लामिक लोग हैं, कश्मीर में जो भारत के टुकड़े के ख्वाब देखने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के जो गुर्गे हैं, वे हमारी सेना पे आज तक मार करते थे, हम उसके खिलाफ खड़े होते थे। आज हमें शर्म आता है कि इस बाला साहब ठाकरे द्वारा शिक्षित, या बाला साहब ठाकरे के शिक्षित लोग नहीं हो सकते, ये साथ बैठे हो, इन्हीं लोगों ने यही मानसिकता थी कि सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहा था इन लोगों ने, याद कीजिए ना, कौन था ये कांग्रेस के ही लीडर थे ना, कि हमारे सेना प्रमुख को ये गली का गुंडा कहते थे। तो और ये जो संस्कार हुआ है ना, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, हमारे बुजुर्गों ने कहा है। जब बात कांग्रेस से आई है तो ये भी आ गया, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा एक बाइक चोर तबरेज, वो अगर भीड़ के द्वारा पीटा जाता है तो प्रियंका गांधी विधवा विलाप करती हैं, रवीश कुमार स्क्रीन ब्लैक कर देते हैं। ये न्यूज 24 के संदीप चौधरी जी कहते हैं राजधर्म और देश धर्म में अलग अंतर होता है, राजद्रोह देशद्रोह अलग मामला होता है। आज ये लोग क्यों चुप हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ करे हैं, आप सेना को गाली देने वाले लोग हैं, सेना के पे जो ऐलान करती है सर्जिकल स्ट्राइक का, उसका सबूत मांगने वाले लोग हैं। अब देश में ऐसा नहीं चलेगा। और जिस किसी ने भी याद कर लीजिए,
कांग्रेस के जिन लोगों ने सेना पर अंगुली उठाई थी, जिसने सबूत मांगा था, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे आज सत्ता में। जिसने अस्तित्व नकारा था, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब भी चेत जाओ और बताइए कि जिस लोगों ने सेना के मारपीट किया, जिस सब सैनिक ने, सिर्फ सैनिक तो नहीं हो सकता, सब सैनिक हो सकते हैं ये, उसको वैलेबल वारंट था, उसको बेल भी मिल गया जी, और वो छूटी भी गए। क्या गुंडा राज चल रहा है क्या महाराष्ट्र में? क्या बना करके क्या रखना चाहते हो महाराष्ट्र को भैया, कि तुम्हारी मर्जी होगी तो तुम साधु मरवा दोगे, तुम्हारी मर्जी होगी सुशांत को मरवा दोगे, तुम्हारी मर्जी होगी तो कभी कंगना का घर तोड़वा दोगे, तुम्हारी मर्जी होगी नौसेना, तुम्हारे राज में कौन सुरक्षित है? जो सेलिब्रिटीज प्ले कार्ड निकल के आ जाते थे सड़कों पर कि किसी की हत्या हो जाती थी किसी और स्टेट्स में, तब वो बहुत रोते थे। सेलेक्टिव जो ये इनका रवैया है यहाँ पर देखा गया हो आपने, दिल्ली में ध्रुव त्यागी की मृत्यु होती है तब नहीं आते हैं, अखलाक की मृत्यु होती है, तबरेज की होती है, सब आ जाते हैं। क्या अब जो देश के सेना है उस पर भी ये लोग आएंगे, या अपना सेलेक्टिव रवैया जो है वो हमेशा दिखाते रहेंगे? ये भारत के टट्टू हैं, कभी पाकिस्तान के गोद में बैठते हैं, क्योंकि इनका स्टेटमेंट जो है ना पाकिस्तान यूएन में इस्तेमाल करता है। और ये मैं कोई अनऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, यूएन के मंच पर राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेकर के पाकिस्तान गया था, अनुराग कश्यप के स्टेटमेंट को पाकिस्तान के अखबारें छापती हैं, एक जो व्यक्ति लड़की बहसबाजी कर रही थी सफूरा जरगर उसके स्टेटमेंट को लेकर के छापते हैं। ये हीरोइन के नाम पर, एक्ट्रेस के नाम पर जो एजेंडा चलाती है, आज तक कोई ढंग का फिल्म नहीं दे पाती है सौरा भास्कर। ये जो एजेंडे, ये जो जिहादी बॉलीवुड जिहाद है ना, ये इन लोगों का सामने आता था, कितने दोगले लोग हैं ये जी। नसीरुद्दीन शाह, अरे जितनी तुमने गालिब की शायरी तुमने रट्टा मारी उन शायरियों को भी पढ़ लेते, उस शायरी के दम पे भी अगर तुम्हारा जिस्म नहीं खोला तो तुम असल में, आपने सरफरोश फिल्म देखी ना, नसीरुद्दीन शाह का जो करैक्टर था वही इसके जीवन का असली करैक्टर है, कोट एंड कोट असली करैक्टर यही है। ये लोग स्लीपर सेल्स के रूप में काम कर रहे हैं हिंदुस्तान को खोखला करने के लिए, पाकिस्तान के पालित, पाकिस्तान से यहाँ पे अब आया ना FCRA क्लियरेंस, क्या जब विदेशी फंड का आता था ये लोग कहते थे विदेशी फंड हम लेंगे, जब मोदी जी आके कहे कि FCRA क्लियरेंस लेना होगा तो उसका भी विरोध ये लोग कर रहे थे। क्यों भैया, आखिर तकलीफ क्या थी? तकलीफ यही थी कि हमें विदेशी फंड मिलेगा और देश विरोधी यहाँ एजेंडा चलाएंगे। अब ये लोग सब सामने आ गया, इस घटना ने सबको एक्सपोज कर दिया कि यह ना तो बॉलीवुड के साथ है, ना सेना के साथ है, ना इनके दिल में कोई एक मर्म है, ना इनके अंदर कोई मानव है, ना कोई एक इंसान है जी। ये सब गंदी नाली के जैसे कीड़े होते हैं ना, जहाँ रहते दुर्गंध फेंकते हैं, ये सब दुर्गंध फेंकते हैं, इनका अंत आ चुका है, लोग एक्सपोज हो गए हैं। इनके फिल्मों का बायकॉट करो, अगर आपको लगता है कि अब इस देश में नौसेना के अधिकारी को पीटा जाएगा और सब ये लोग खामोश रहेंगे, तो या तो आपके खून में गर्मी नहीं है, अगर गर्मी बची है, अगर आपके देह खून में अगर भारतीयता बची है तो इनके फिल्मों का बहिष्कार करो, इनका आर्थिक बहिष्कार करो, तभी ये लोग सुधर जाएंगे जी। आमिर खान जो कहते हैं कि उनको देश में रहने से डर लगता है, इंटॉलरेंस है हमारे देश में, उनकी बीवी तक कहती है, अब वो भी इन सब मुद्दों पर चुप है, उनको क्या महाराष्ट्र में नहीं दिख रहा कि क्या महाराष्ट्र में अब इंटॉलरेंस नहीं है? आमिर खान क्या है ये अभी 15 अगस्त को उन्होंने बता दिया। 15 अगस्त को जब भारत के लोग, भारत के आम जनमानस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे रहे थे, उस वक्त आमिर खान भारत के खिलाफ बोलने वाले, खिलाफत 2.0 का समर्थन करने वाले, CA का विरोध करने वाले, 370 हटाए जाने वाले का विरोध करने वाले टर्की के साथ खड़े हो गए, टर्की की उस महिला के साथ खड़े हो गए जो इस्लाम का प्रचार करती है। तो पूरी ये अब बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है कि ये आमिर खान क्या है, ये बातें फिल्में में आते हैं, पैसा कमाना होता है तो सरफरोश फिल्म बनाते हैं, और खुद रोल जो है ना ये करते हैं पाकिस्तान के स्लीपर सेल की तरह जी। अब टर्की में जिस दिन 15 अगस्त को, ये बताओ कितने लोगों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं दिए थे, इनके लिए महत्वपूर्ण ये नहीं था। और जो शूटिंग होने वाली थी जिस फिल्म के लिए ये गए हैं टर्की, वो लद्दाख में शूटिंग होने वाली थी, चूँकि लद्दाख ये जाते हैं और लद्दाख के विकास को दिखाई पड़ जाता है, इनको पर्दे पे आ जाता कि लद्दाख में विकास हुआ है, इस कारण से
जिसने लद्दाख को अलग किए जाने का यानी धारा 370 हटाए जाने का विरोध किया था, उस टर्की में जाकर के अपना ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहां पे अपनी शूटिंग कर रहे हैं।